तो ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग इनफैक्ट बेसिक ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ चुके, सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, फेजर सीखा, ठीक है, पैरेलल सर्किट किया, सीरीज सर्किट किया, बहुत तरह का हमने, फिर मैक्सिमम पावर कब होता है, रेजोनेंस वगैरह, ये सब आइडियाज हम सीख चुके हैं, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या, एसी में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस बचती है, तो वो लास्ट में तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ट्रांसफार्मर्स अभी बचा हम लोगों का, तो ट्रांसफार्मर्स खत्म करने के बाद फिर वापस हम लौट के एसी के ऊपर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ, ठीक है। और जो है इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स शायद मैं और ऐड करूँ, पाथफाइंडर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रांसफार्मर्स, तो ट्रांसफार्मर होता क्या और करता क्या ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने देखा होगा जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है, ट्रेन से जाते हो कहीं पे, बस से जाते हो, तो तुमने देखा होगा खेतों में खूब बड़े बड़े ट्रसेस ऐसे खड़े होते हैं, उनके बीच में खूब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन्स पड़ी रहती हैं। और कभी बाई चांस अभी कभी उसके पास में जाके देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होगा डेंजर 44,000 वोल्ट, इस तरह का लिखा दिखेगा, या फिर 4 लाख वोल्ट भी लिखा दिख सकता है। तो अब तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि यार घरों में तो 220 वोल्ट आता, तो फिर ये यहाँ पे 4 लाख वोल्ट पे क्यों ट्रांसमिशन चल रहा है, 44,000 वोल्ट पे क्यों ट्रांसमिशन चल रहा है, क्या फायदा इतने हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन का। तो इट टर्न्स आउट कि देखो तुम्हारा क्या होता है, जब पावर स्टेशन से तुम्हारे घर में पावर आ रहा है तो रस्ते में लाइन के अंदर भी चल के ही आ रहा है ना, वो ऐसे डायरेक्टली तो है नहीं कि भाई रिमोट कंट्रोल से घर में पान ये आ गया तुम्हारा जो पावर। अब लाइन के अंदर जिसमें चल रहा है उसके अंदर अगर करंट आई अगर चल रहा है तो तुम्हें पता है कि लाइन के अंदर आई स्क्वायर आर लॉस होगा, राइट। अच्छा, जो तुम्हारा जनरेटर पावर सप्लाई करता है वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। अब सेम पावर अगर सप्लाई करना है मुझे तो या तो मैं वोल्टेज को हाई कर दूं करंट को स्मॉल कर दूं, या फिर मैं वोल्टेज को लो कर दूं करंट को बहुत हाई कर दूं। तो अभी क्या है, अगर मेरा करंट स्मॉल है, वोल्टेज बेशक हाई है लेकिन करंट स्मॉल है, तो लाइन लॉस मेरा आई स्क्वायर आर होगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा, इज इट नॉट। क्योंकि क्या है, पावर स्टेशन से कुछ तो लाइन के अंदर लॉस हो रहा है, उसके बाद तुम्हारे घरों में जा रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हाईली सिंप्लीफाइड सर्किट। तो हो क्या रहा है, पावर स्टेशन से कुछ तो लाइन के अंदर आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा है, उसके बाद फिर बाकी का जो यूजफुल पावर तुम्हारे घरों में डिलीवर हो रहा है। तो क्या होगा, उसी पावर को अगर लो करंट पे डिलीवर करो तो ऑब्वियसली लाइन लॉस स्मॉलर होगा। इस वजह से क्या करते हैं हम लोग कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो होता है वो तो हम लोग हाई वोल्टेज पे करते हैं, और उसके बाद लेकिन हाई वोल्टेज जो होता है डेंजरस होता है, घरों में हम क्या कर सकते हैं, उस वोल्टेज को फिर घटा के हम करते हैं। यानी जैसे भाखड़ा नंगल से मान लो पंजाब से बिजली आ रही है यहाँ पे, मान लो महाराष्ट्र, पता नहीं आती है कि नहीं, बट मान लो इतने लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, ठीक है, भाखड़ा नंगल डैम में, वहां पे वो हम लोग का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहां पे, तो उससे क्या होगा यहाँ तक, यानी सोचो बॉम्बे के पास में कोई सब स्टेशन होगा वहां तक 4 लाख वोल्ट पे आ गए, उसके बाद क्या, फिर सब स्टेशन उसको फिर स्टेप डाउन करे, फिर स्टेप डाउन करे, फिर स्टेप डाउन करे, फिर यहाँ पे 220 वोल्ट पे घरों में सप्लाई कर सकते। तो उसमें क्या हुआ, जो मेजर लाइन लॉस होना था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, वो लाइन लॉस हम लोगों का कम हो जाता था, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, किस तरह से वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, इनफैक्ट ट्रांसफार्मर्स 3 तरह के होते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप अप, और क्या कहते हैं अपना आइसोलेटर कहते हैं, जहाँ पे ना स्टेप अप करता है ना स्टेप डाउन करता है, उसका भी कहीं कहीं पे यूज होता है, बट बाकी ज्यादातर ट्रांसफार्मर जो होते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इनफैक्ट तुम लोगों के जो मोबाइल फोन होते हैं, ये जो चार्जर होते हैं, तुम उस पर ध्यान से अगर देखोगे तो मोबाइल फोन के चार्जर पे 9 वोल्ट लिखा होगा, 12 वोल्ट लिखा होगा, तो इसमें भी देखो ऐसे 220 वोल्ट से डायरेक्टली नहीं मोबाइल चार्ज होता, होता क्या है उसके अंदर भी तुम्हारे ट्रांसफार्मर लगा है। चार्जर को तुम तोड़ के देखोगे, कभी खराब हो गया चार्जर तोड़ के देखोगे तो उसमें तुम्हें ट्रांसफार्मर नजर आएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करता है वो अभी समझते हैं। तो यहाँ पे देखो सब लोग, ये ट्रांसफार्मर का स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है, क्या है मेरे पास, ये एक लोहे का कोर है मेरे पास, ठीक है, ये लोहे का समझ लो, लोहे का बना हुआ है ये, एक तरह से करके रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से कोर बनाया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग दी हुई है, ये कॉपर वाइंडिंग लगी हुई है, ये कॉपर वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है। अब लोहे का कोर क्या करता है, सोचो यहाँ पे मैंने जनरेटर लगाया हुआ है, ये जनरेटर से क्या होगा, इस कॉइल में करंट जा रहा होगा, इस कॉइल में करंट जो होगा इस करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रिएट होगा, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं तुमको पता है उनका क्या प्रॉपर्टी होता है, वो 100 से 1000 गुना टाइम फील्ड्स को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब यहां से ऐसे करंट जा रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, अब ये आयरन कोर की क्या प्रॉपर्टी है, वो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो इसी कोर के अंदर ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है, समझ गए, यानी यहाँ से ऐसे करके ऐसे फील्ड लाइन पैटर्न हम लोगों का बन जाएगा, राइट। अब क्या होगा, जब यहाँ पे तुमने टाइम वेरिंग वोल्टेज लगा रखी है तो इसके अंदर टाइम वेरिंग करंट है, टाइम वेरिंग करंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना ये भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट।
अभी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इन कॉइल्स के थ्रू कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। अब क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस यहां से जा रही है करीब करीब उतनी ही फील्ड लाइंस यहां से आ रही है, तो आयरन कोर की एक और यूज क्या होती है कि ये फ्लक्स लीकेज को प्रिवेंट करता है। हम मान सकते हैं कि प्रैक्टिकली जितनी जितनी फील्ड लाइंस मेरी प्राइमरी कॉइल से जा रही है उतनी की उतनी करीब करीब फील्ड लाइंस मेरी सेकेंडरी कॉइल से भी जा रही है। तो क्या होगा, फ्लक्स पर टर्न सेम हो जाएगा, एज्यूमिंग की एरिया सेम है, मतलब इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न होंगे, इसमें भी कुछ नंबर ऑफ टर्न होंगे। अगर मान लो पर टर्न एरिया सेम है तो फ्लक्स पर टर्न तो प्राइमरी का और सेकेंडरी का सेम हो जाएगा। और तुमको पता है जो ईएमएफ इंड्यूस होगी इसके अक्रॉस, सेकेंडरी के अक्रॉस, वो क्या होगी, डी फाई बाई डी टी। तो वो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी। अब उसमें फाइव के फ्लक्स लिंकेज लोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल ईएमएफ होगी कि नहीं, प्राइमरी में प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल ईएमएफ होगी और सेकेंडरी में सेकेंडरी के प्रोपोर्शनल ईएमएफ होगी। समझ में आई बात कि नहीं। तो इसके अक्रॉस क्या होगा, एनपी डी फाई बाई डी टी पर टर्न, और इसमें क्या होगा एनएस, एनएस के एनपी और एनएस क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो इसमें क्या होगा एनएस डी फाई बाई डी टी और इसमें क्या होगा एनपी डी फाई बाई डी टी। तो रेशियो ऑफ ईएमएफ क्या हो गया, दिख रहा है, एनपी बाई एनएस, यानी एनएस बाई एनपी कह सकते हो, सेकेंडरी टू प्राइमरी। समझ गया कि नहीं। तो सेकेंडरी टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो मान लो तुमने 2 दे रखा है, तो यहाँ पे अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो इधर 440 वोल्ट आ जाएगा, या 1:2 रेशियो दे रखा है तो यहाँ पे अगर 220 आ रहा है तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, यहाँ पे 440 आ रहा है तो यहाँ पे 220 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, कैसे फंक्शन कर रहा है ट्रांसफार्मर। तो ये हम लोगों का वर्किंग है ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के काम कर आता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसको अभी फॉर्मली पढ़ लेते हैं। क्या लिखा मैंने, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज एट विच द पावर इज बीइंग सप्लाइड। इट इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स बाउंड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक कोर। ये फेरोमैग्नेटिक कोर है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। फेरोमैग्नेटिक कोर इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड सेवरल टाइम्स एंड ऑल्सो इंश्योर दैट फ्लक्स पर टर्न इज नियरली सेम फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। फ्लक्स पर टर्न सेम हो जाता है फेरोमैग्नेटिक कॉइल की, ठीक है, मैंने ये कोर की वजह से। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स के प्रोपोर्शनल ही होगी वोल्टेज, यानी डी फाई बाई डी टी के प्रोपोर्शनल कहना चाह रहा हूँ। Which is that, which in turn is proportional to the number of turns. Thus, the ratio of primary and secondary voltage is simply given as voltage across primary upon voltage of across secondary is number of turns across primary divided by number of turns in the secondary. ठीक, okay, ये legend दिया हुआ यहाँ पे, okay. फिर क्या लिखा, in an ideal transformer there is no energy loss. ठीक है, और inductances जो होती है बहुत high होती है। Ideal transformer में inductance is very very high. और हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एक्चुअल में तो रियल ट्रांसफार्मर में तो अच्छा खासा लॉस होता है, बट आइडियल में क्या मानते हैं, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या, इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर, राइट। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट शुड बी इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। अभी यहाँ पे तुम लोग सोचोगे यार सर ने ये थोड़ा सा तो चालाकी कर दी, यहाँ पे कॉस फाई कहाँ चला गया, क्योंकि पावर तो वी पी आई पी कॉस फाइव होना चाहिए था, उधर भी वी एस आई एस कॉस फाइव टू होना चाहिए था। तो अभी ये जो एनालिसिस है ये थोड़ी सी इन्वॉल्व है, मैंने यहाँ पे नहीं करके दिखाई है, इसके ऊपर चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इनफैक्ट कि ये क्यों सेम होता है। बाकी एनसीईआरटी में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, बिना जिक्र के सीधे डायरेक्टली यूज किया। तो हम भी एनसीईआरटी या जेई मेन में पूछें या जेई एडवांस में पूछें तो एनसीईआरटी जिस तरीके से करता है हम उसी तरीके से बस करेंगे, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा फिर फर्दर दिमाग नहीं लगाएंगे। तो देर आर सेट वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो तुमको सिखा दूंगा किस तरह से करना, ठीक है। तो बाकी ये क्या, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है कि प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, इसी को रीअरेंज कर लो तो आई प्राइमरी अपॉन आई सेकेंडरी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वी सेकेंडरी अपॉन वी प्राइमरी, वो क्या हो जाएगा एनपी बाई एनएस। समझ में आया कि नहीं, यहीं से, ठीक है, वी सेकेंडरी, सॉरी ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, आई पी बाई आई एस शुड बी एन एस बाई एन पी होगा, ये इधर एन एस बाई एन पी होना चाहिए, ठीक कर लेना नोट्स के अंदर, दिस शुड बी एन एस बाई एन पी, एन एस अपॉन एन पी, बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तो करंट का रेशियो क्या आ जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ टर्न्स में आ जाएगा, और वोल्टेज का रेशियो डायरेक्ट रेशियो ऑफ टर्न्स में आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इनपुट पावर तो आउटपुट पावर के बराबर ही होगी, राइट, ओके। और वीपी बाई आई पी को कई बार इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या देते हैं, एज सीन बाय द प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज वीपी और डायमेंशन जो इसकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन आएगी, तो कई बार रेजिस्टेंस एज सीन बाय द प्राइमरी कह देते हैं। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर लॉसेज आर अज्यूम टू बी जीरो, हाउएवर इन अ रियल ट्रांसफार्मर फॉलोइंग लॉसेज अकर। मैंने बोला था कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं है, लेकिन असली ट्रांसफार्मर में कई तरह के लॉसेज होते हैं। तो किस तरह के लॉसेज होते हैं, अभी एक एक करके सुनते जाओ, What are the various types of losses? सबसे पहला loss है copper loss. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, copper loss मतलब क्या? जहाँ पे copper है वहीं पे कुछ loss हो रहा होगा। Copper कहाँ पे? Windings है हमारे पास, ठीक है?
कॉपर की वाइंडिंग से प्राइमरी की वाइंडिंग से सेकेंडरी की वाइंडिंग से। अब ये जो जो भी हमारा जो वाइंडिंग्स है ये तो रियल मटेरियल है ना कॉपर, तो इसकी तो सच में तो कुछ रेजिस्टेंस होगी, आइडियल इंडक्टर थोड़ी ना कॉपर वाइंडिंग, इसके अंदर कुछ तो आई स्क्वायर आर लॉस भी होगा। तो ये जो आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा है कॉपर वाइंडिंग में, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। समझ गए कॉपर लॉस की डेफिनेशन क्या है? तो क्या लिखा, द कॉपर वाइंडिंग इन द ट्रांसफार्मर्स डू हैव अ फाइनाइट रेजिस्टेंस, दस ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो देयर इज आई स्क्वायर आर लॉस अकरिंग इन देम, दिस इज नोन एज कॉपर लॉस। डेफिनेशन क्लियर है कॉपर लॉस की? ठीक है, एक तो ये हुआ कॉपर लॉस, दूसरा क्या है हमारे पास, आयरन लॉस। अब ये आयरन लॉस क्या है, तो अभी ध्यान से सुनना, याद करो डायलेक्ट्रिक्स जब हमने पढ़ा था, तो डायलेक्ट्रिक्स में हमने पढ़ा था जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो डाइपोल्स उसके साथ अलाइन हो जाते हैं, राइट, कोशिश करते हैं अलाइन होने की। अब उसी की जगह अगर मान लो मैं ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं लेटर से, तो क्या होगा, डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बोलेगा दाएं मोड़, कभी बोलेगा बाएं मोड़, समझ में आई बात की नहीं? तो इस प्रोसेस में क्या, डाइपोल कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, इस प्रोसेस में क्या होगा, देयर विल बी सम हीट लॉस बिकॉज ऑफ डाइपोल। एक तरह समझो कि तुमको बिस्किट की तरह से पैक करके तुमको बस में बिठा दिया, और उसके अंदर बस में फिर बोल रहे कि अभी दाएं घूमो अभी बाएं घूमो, तो फिर शोल्डर रब करेंगे और हीट प्रोड्यूस होगी, उस तरह का समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट हैपनिंग। तो अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। आयरन के अंदर क्या है, तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे जब मैग्नेटिक मटेरियल्स में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तो आयरन के अंदर क्या मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। तुम्हें पता है जब भी एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा वो अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करने की कोशिश करेगा। याद है ना हमने टॉर्क पढ़ा था, एम क्रॉस भी होता है, पोटेंशियल की पढ़ी थी माइनस एम डॉट भी होती है, तो लीस्ट पोटेंशियल की कॉन्फ्लिक्ट क्या होगी हमारी, माइनस एम डॉट भी, यानी मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कोई एक डायरेक्शन हो तो बात है, मैग्नेटिक फील्ड तो अपना पीरियोडिकली वेरी कर रहा है ना। यहाँ पे देखो जनरली घरों में जो अपना एसी सप्लाई होता है वो 50 हर्ट्ज पे सप्लाई होता है, तो इसका मतलब समझ रहे हो ये जो डाइपोल्स हैं मैग्नेटिक डाइपोल्स यहाँ पे बन रहे हैं, उनको 1 सेकंड में 50 बार बोल रहे हो अभी इधर देखने का, अभी इधर इधर देखने का, अभी इधर देखने का, अभी इधर देखने का, समझ गए कि नहीं? तो उनको भी गुस्सा आ रहा है, क्या यार एक बोलने का इधर या उधर, समझ गए? तो इस प्रोसेस में कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है डाइपोल, फिर ऊपर नीचे ये डाइपोल्स का ऑल्टरनेशन हो रहा है। तो इस ऑल्टरनेटिंग ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स की वजह से देर इज अ लॉस, उसमें भी हीट जनरेशन होता है, जिस लॉस को हम क्या कहते हैं, आयरन लॉस। समझ में आया आयरन लॉस क्या है? एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा एक और भी तरह का आयरन लॉस है। देखो दूसरा लॉस किस वजह से होगा, एक तो डाइपोल्स को अलाइन करना है, दूसरे तुमको पता है यहाँ पे मान लो किसी टाइम पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस ईएमएफ होगी कि नहीं? अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये, अगर टॉप व्यू में देखो, अगर मान लो उसको सिलेंडरिकल क्रॉस सेक्शन जैसा इमेजिन करते हो, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर की तरफ मान लो बढ़ रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो इसके अंदर इंड्यूस इंड्यूस करेंट्स होंगे, इंड्यूस करेंट्स जो कि एडी करेंट्स कहते हैं, ये पढ़ाया था हम लोगों का ईएमआई में पढ़ाया हुआ, एडी करेंट्स जनरेट होंगे। तो एडी करेंट्स की वजह से क्या, आयरन कोर के अंदर ऐसे गोल 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 करके करंट घूमने लग जाएंगे, उसकी वजह से भी तुम्हारा हीट जनरेशन होगा। तो समझ गए आयरन लॉस के 2 मैकेनिज्म्स हैं, एक तो क्या है हमारे डाइपोल्स आगे पीछे जो जा रहे हैं वो, और दूसरा क्या, एडी करंट्स जो बन रहे मेरे गोल गोल करंट्स जो घूमने चालू हो, समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा दूसरा लॉस है आयरन लॉस। तीसरा लॉस क्या है हम लोगों का, दैट इज फ्लक्स लीकेज लॉस। तो हम तो वैसे मान लेते हैं कि जो फ्लक्स है वो सारा का सारा जो प्राइमरी से जा रहा है वो सारी की सारी फील्ड लाइन सेकेंडरी से भी निकल जा रही है, ऐसा मान लेते हैं। बट इन प्रैक्टिस क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा हमारा कोर, और कोर के बाहर में भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और बाहर में मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट है और क्या कहते हैं मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो क्या होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस होगा। और तुम लोग देखोगे कि जब भी मेरा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे मेरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे पढ़ ही चुके हो इनफैक्ट ईएमआई में देखा था ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड इन टर्न टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो क्या होता है कि जो जहां पे भी तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा हो इसके बाहर में तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट रहती है, तो ट्रांसफार्मर से दूर दूर हमारा कुछ ईएम रेडिएशन निकल रही है जो कि लॉस हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में, समझ गए कि नहीं? तो ये तीसरा लॉस क्या है हमारा, तीसरा लॉस है फ्लक्स लीकेज लॉस। समझ में आई बात की नहीं? बिकॉज देर इज फ्लक्स आउटसाइड द वाइंडिंग्स ऑल्सो, इन द सराउंडिंग स्पेस ऑल्सो देर विल बी सेम फ्लक्स, तो ये फ्लक्स लीकेज लॉस है। क्या लिखा, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर वी अज्यूम दैट ऑल फील्ड लाइंस टू बी कन्फाइंड इन द फेरो मैग्नेटिक कोर, हाउएवर एक्चुअली देर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द स्पेस, दस लीडिंग टू लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एनर्जी, बी स्क्वायर बाई 2 μ0 हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर टाइप की एनर्जी जो उसका लॉस हो रहा है, रेडिएट हो रही है बाहर, ठीक है। बिसाइड्स दिस देयर आर आल्सो हिस्टेरेसिस लॉसेज एंड हमिंग लॉसेज। हमिंग लॉस क्या होता है, हमिंग लॉस होता है जैसे ट्रांसफार्मर जहां पे प्रेजेंट होता है ना, तुम लोगों को पता है फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, जो फोर्सिंग फंक्शन होता है उसी से कोई भी सिस्टम ऑसिलेट करने लगता है,
तो इट टर्न्स आउट कि यहाँ जहां पे तुम्हारे ऑल्टरनेटिंग करेंट्स प्रेजेंट है वहां पे तुमको पता है, तुमको मैग्नेटिक फोर्स पता है, तुमको IL क्रॉस B टाइप का मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर पीरियोडिक फोर्सेस लग रहे होंगे IL क्रॉस B के हिसाब से। उसकी वजह से क्या, ट्रांसफॉर्मर के अंदर वाइब्रेशन चालू हो जाएगी, फोर्स ऑसिलेशन की। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, जस्ट स्मॉल करेक्शन। इनफैक्ट जो मैं बोल रहा था ना डाइपोल्स को आगे पीछे होने में जो लॉस हो रहा है वो आयरन कोर में, लेकिन उसका ज्यादा अच्छा जो टर्म है दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस वर्ड क्यों होता है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में समझ में आएगा। द प्रॉपर वर्ड फॉर दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग इन फेज। अब ये कहाँ से आ रहा है इसके लिए वेट करना पड़ेगा तुम्हें लोग मैग्नेटिज्म इन मैटर के चैप्टर का। ठीक है, हमिंग लॉस समझ में आया ना? हमिंग लॉस क्यों है, जहां पे भी ट्रांसफार्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेजेस प्रेजेंट होंगे उसके पार्ट्स जो है वाइब्रेट करने लगेंगे 50 हर्ट्ज से फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जिसकी वजह से आप वाइब्रेशन हो रहा तो क्या है साउंड एनर्जी बाहर निकल रही होगी। समझ गए कि नहीं? तो ये सारे अलग अलग तरह के लॉसेज हैं जैसे किसी ट्रांसफार्मर में होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ एक बार इसको पढ़ लो ये पूरा सेक्शन जो है स्टार्टिंग से, उसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है कि आउटपुट क्या मिला और इनपुट कितना गया, इज इट नॉट। तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी साइड से कुछ पावर इनपुट दे रहे हैं और सेकेंडरी साइड पे कुछ पावर आउटपुट ले रहे हैं। तो रियल ट्रांसफार्मर में तो क्या है, लॉसेज हो जाएंगे ना। तो यानी नेट आउटपुट कितना मिलेगा, जो इनपुट पावर है माइनस लॉसेस दैट विल बी द आउटपुट पावर, राइट। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जो इनपुट पावर है, ये एफिशिएंसी होती है। तो क्या है ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी, इज प्राइमरी इनपुट पावर दैट इज VPIP माइनस आयरन लॉस माइनस कॉपर लॉस। एक्चुअली बाकी लॉसेस भी माइनस करने चाहिए बट दे आर रिलेटिवली स्मॉलर देन दीज टू लॉसेस। तो मेजर लॉसेस यही होते हैं आयरन लॉस और कॉपर लॉस, बाकी हमिंग लॉस हिस्टेरेसिस लॉस वगैरह वो काफी कम होते हैं इनके इनके कंपैरिजन में। ठीक है, क्या लिखा, टिपिकली अदर लॉसेस आर मच स्मॉलर देन द आयरन एंड कॉपर लॉसेस, हाउएवर इफ दे आर सिग्निफिकेंट दे मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। ओके, अच्छा फिर क्या लिखा मैंने, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पावर शुड बी रिटन एज VI cos phi, हाउएवर फॉर JEE पर्पस वी शैल ओनली राइट VI। दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट बट जस्ट अ वर्किंग मेथड फॉर JEE प्रॉब्लम्स। ये ध्यान रखना, JEE की सारी प्रॉब्लम्स इसी तरह से सॉल्व होंगी, NCERT का जो तरीका है। ठीक है, तो चमत्कार को नमस्कार। ठीक है, नहीं NCERT से हम कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मार्क कट जाएंगे। तो तरीका हमको वही फॉलो करना, ऑल दो यू आर सफिशियंटली इक्विप्ड टू एग्जैक्टली सॉल्व द ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम। मैं बताऊं एग्जैक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर तुमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, तुमको पता है कि यहाँ पे अभी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं डिटूर ले रहा हूँ, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या, ये एक कॉइल है ये दूसरी कॉइल है और इसके अंदर क्या है, कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइप की चीज नहीं है ये, एक तरह से देखो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात है। इससे फील्ड लाइन्स निकल रही हैं और इसकी फील्ड लाइन्स जाके इसके अंदर घुस रही हैं। तो देयर इज सम म्यूचुअल इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद प्राइम बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब सेल्फ इंडक्टेंस होती है तो क्या लिखते हो, LdIdt की जगह क्या लिख लेते हो, इसको जो फेजर डोमेन में जाता है तो ये जे ओमेगा एल हो जाता है, इज इट नॉट। फेजर डोमेन में जब लिखते हो इंडक्टेंस को जब डील करना, तो अभी क्या होगा, इसमें अगर करंट मेरा आई प्राइमरी है और इसके अंदर जो है मेरा आई सेकेंडरी है, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगी वो क्या होगी, MdI प्राइमरी बाई डीटी हो जाएगी, राइट है ना। सेकेंडरी में जो इंड्यूस होगी वोल्टेज वो क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू DI प्राइमरी बाई डीटी। इसको अगर तुम्हें लिखना है तो यहाँ पे इसकी जो इसकी इक्वालेंट तुमको रिएक्टेंस अगर लिखनी है म्यूचुअल के केस में, तो म्यूचुअल रिएक्टेंस जो हो जाती है वो जे ओमेगा एम लिख सकते हो उसी तरह से, क्योंकि तुम्हें पता है जब डेरिवेटिव लोगे तो साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा, पाई बाई टू शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी वैसे ही मॉडल कर सकते हो, इसके अंदर भी एक जे ओमेगा एम लगा दोगे, इसके अंदर भी एक जे ओमेगा एम लगा दोगे। समझ गए कि नहीं, जैसे नॉर्मली सिंपल सीरीज सर्किट होता है खाली जे ओमेगा एल होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता नहीं। अब तो कॉइल्स में अगर आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो वो फेजर डोमेन में जे ओमेगा एम की दो बैटरीज लगानी पड़ेगी, यानी दो जनरेटर्स कह लो जे ओमेगा एम के, और उसके बाद फिर इसका लूप लॉ अलग से सॉल्व कर लो, उसका लूप लॉ अलग से सॉल्व कर लो, फिर कुछ तो सोल्यूशन आ ही जाएगा। समझ गए, फेजर डोमेन में दैट्स हाउ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स आर सॉल्व। एक्चुअली इट्स अ वैरायटी ऑफ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, इज इट नॉट। यहाँ पे इस सर्किट से ये वाला सर्किट केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से कपल्ड है, अदरवाइज तो इनके करंट थोड़ी ना मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स। तो उसके अंदर क्या, कॉम्प्लेक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस से एक्जैक्टली सॉल्व करते हैं, और बहुत वैरायटी। इफ यू बिकम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू विल सी दैट देयर आर कैस्केडेड सर्किट्स। कैस्केडेड सर्किट में क्या है, इससे इसके अंदर जा रहा है, फिर इसके अंदर फिर मैग्नेटिक कपलिंग करके फिर तीसरा सर्किट, तीसरे से चौथा सर्किट, कैस्केडेड सर्किट्स वगैरह बहुत चीजें होती हैं, बहुत सिंप्लीफिकेशन होते हैं, बट वो सब JEE के पर्पज से हम लोगों के लिए एकदम फालतू चीज है। ठीक है, JEE के पर्पज से तो हमें बस चमत्कार को नमस्कार करना है। ठीक है, नहीं यानी NCERT ने जो बोल दिया हमको उसी तरीके को फॉलो करना है। तो उसके अंदर कोई कॉस फाइव वगैरह लेके नहीं आएंगे ट्रांसफार्मर सर्किट्स में, बिल्कुल सीधे सीधे रेजिस्टेंस की तरह से ट्रीट करते चलते हैं सब जगह। ठीक है, तो देख लेना किस तरह से सॉल्व करते, यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड। ओके,
ऑल दो करेक्ट मेथड भी तुम लोगों को मैंने बता दिया है, वो उसमें कॉम्प्लेक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस लेके हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्टेंस को जे ओमेगा लिखेंगे और म्यूचुअल को जे ओमेगा एम करके लिखेंगे, और आई टू जे ओमेगा एम आएगा उसके अंदर, यानी इसके अंदर अगर सेकेंडरी के करंट को आई टू बोले तो आई वन जे ओमेगा एम की बैटरी लगेगी, और इधर जो है आई टू जे ओमेगा एम की बैटरी लगेगी, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो यही लिखा मैंने, ठीक है। तो हम हमेशा वी आई लिख के खुश हो जाएंगे, ठीक है बस, ठीक है। पावर को वी आई कॉस फाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा फिर क्या, अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा है तो फिर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगी। इस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या कह देते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से कम है तो सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से कम हो जाएगी, इस तरह के ट्रांसफार्मर को क्या कह देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और तीसरा क्या है हमारा, अगर सेकेंडरी और प्राइमरी के टर्न्स बराबर है, इस तरह के ट्रांसफार्मर को आइसोलेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूज करते हैं किसी किसी चीज के लिए, माने इस सर्किट से उस सर्किट में करंट दे रहे हो लेकिन फिजिकली हम लोगों को एनर्जी नहीं ट्रांसमिट करनी है, ठीक है। मतलब अब वैसे तुम लोगों ने देखा होगा वायरलेस चार्जिंग होती है ना, कई जगह वायरलेस चार्जिंग देखा होगा, फोन वगैरह वायरलेसली चार्ज हो जाती है, तो दैट ऑल्सो यू कैन अचीव। मतलब उसके अंदर तो खैर आइसोलेटर की जरूरत नहीं है, यानी स्टेप अप स्टेप डाउन से भी हो ही जाएगा, बट समझ लो ना, इस तरह से हम वायरलेसली एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट फिजिकली। तो आइसोलेटर ही है ना एक तरह का, मतलब इन द सेंस की देयर करेंट्स आर नॉट मिक्सिंग, ऑल दो वन कॉइल इज इंड्यूसिंग द करंट इन द अदर, तो वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी क्रॉस लगा के, समझ गए, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस आयरन लॉसेस ट्रांसफार्मर कोर्स आर मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट्स रादर देन अ सिंगल सॉलिड आयरन ब्लॉक। ये बात मैंने शायद ईएमआई जब पढ़ाया था तब भी तुम लोगों को बोली थी। देखो ईएमआई में एक बात बताई थी तुम्हें, एडी करेंट्स और एडी लॉसेस होते हैं, तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए क्या है, एडी लॉसेस होते क्यों है सोचो। अगर मेरे पास सॉलिड आयरन का ब्लॉक है, सॉलिड आयरन के ब्लॉक को अगर टॉप व्यू में देखूं, यानी थोड़ी देर के लिए सिलेंड्रिकल मान लेते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के खूब सारे पाथ्स अवेलेबल हैं, तो खूब आराम से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूम सकता है, और ज्यादा जगह मिलेगी उसको घूमने के लिए, तो फिर ज्यादा जगह जा जाके माथा भी फोड़ते रहेगा, क्योंकि फ्रीली भाग सकता है, एक्सीलेट होने के लिए उसके पास जगह है, तो फिर क्या है, ज्यादा मोमेंटम के साथ टकराएगा इधर, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। इस तरह की बात है, जैसे तुम सीट बेल्ट लगाते हो, तो सीट बेल्ट लगाते हो तो उसका क्या पर्पज होता है, कि जैसे अगर मान लो सडन ब्रेक लगे तो तुम्हारे ऊपर स्यूडो फोर्स का वर्क डन लार्ज ना हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल इंश्योर करती है सीट बेल्ट, राइट। इस वजह से बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगी रहेगी तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लार्ज होगा तो स्यूडो फोर्स का वर्क डन बहुत लार्ज हो जाएगा और तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी कार फ्रेम से, तो क्या होगा फिर, विंडशील्ड में तुम्हारा माथा फूटेगा, समझ में आएगा कि नहीं। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का जो है, यहाँ पे नॉर्मल अगर सॉलिड आयरन का ब्लॉक है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खूब आराम से अपना खूब उसके पास अवेलेबल है पाथ, तो समझ गए, जो एडी फील्ड है जैसे कि ई स्टार जनरेट होगा ना यहाँ पे ईएमआई में जो पड़ा था, तो ई स्टार खूब आराम से इसके ऊपर वर्क कर सकता है, इट कैन यानी गिव काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स व्हिच दे कैन फ्रीली लूज, तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए सॉलिड आयरन ब्लॉक, हम क्या करते हैं, इसको लैमिनेटेड छोटी छोटी पर्चियों से बना देते हैं, समझ गए, पतली पतली पर्चियां यहाँ पे यूज कर रखी हैं, यानी पर्ची समझ रहे हो ना, यानी आई एम यूजिंग थिन स्ट्रिप्स ऑफ आयरन, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सॉलिड आयरन ब्लॉक आई एम डिवाइडिंग दैट इनटू स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ आयरन, पतली पतली स्ट्रिप्स। तो क्या फिर अभी इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा पाथ अवेलेबल नहीं है, समझ गए कि नहीं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन को सीट बेल्ट पहना दिया हमने, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है, क्यों, लैमिनेटेड कोर है, तो क्या है, लोहा है, लोहे के बाद फिर वार्निश की लेयर है, फिर लोहा है, फिर लोहे के बाद वार्निश की लेयर है, वार्निश की लेयर को तो क्रॉस करके जा नहीं सकता ना, बीच बीच में इंसुलेटर दिया हुआ। तो इसीलिए तुम अगर कभी भी ट्रांसफार्मर को खोल के देखोगे, यानी कोई भी यानी चार्जर वगैरह भी तोड़ के देखोगे या कहीं पे एक्चुअल ट्रांसफार्मर देखोगे खुला हुआ, तो उसके अंदर जो आयरन कोर होगा वो सॉलिड ब्लॉक नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना ये छोटे छोटे प्लेन्स हैं, तो लोहे के ऐसे ऐसे करके कई सारे प्लेन्स को जोड़ जोड़ के बनाया रहता है, एक सिंगल आयरन का ब्लॉक नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारे एडी लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, समझ गए, आयरन लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो यही लिखा है, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस आयरन लॉसेस ट्रांसफार्मर कोर्स आर मेड ऑफ लैमिनेटेड शीट्स रादर देन अ सिंगल सॉलिड आयरन ब्लॉक, समझ में आई बात, दिस लिमिट्स द पाथ्स अवेलेबल फॉर एडी करेंट्स एंड हेंस रिड्यूसेस द आयरन लॉसेस, ठीक है, पाथ हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है इसलिए हमारा आयरन लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन अभी ढंग से पढ़ लो सब लोग, और उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ सकते। अभी एसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट क्या है, स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट समझ लो क्या है, नॉर्मली तो जैसे डायरेक्ट करंट जाता है तो पूरी वायर के क्रॉस सेक्शन में मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, लेकिन एसी के साथ ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व लॉजिक है, तुम्हारा अटेंशन लगेगा तब समझ में आएगी बात को क्या रहा है, ध्यान से देखना। ये मान लो मेरे पास ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ध्यान से देखना, ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है,
और मान लो इसके अंदर मेरा ऐसे करके ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऐसे होंगी, ठीक है। ये एच से कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट को एच बोल देते हैं, एक और सिंबल दे दिया, तो इट्स काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। तो यहां पे मेरी ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक। अब सोचो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई, अब यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे एक इमेजिन किया मैंने लूप, इस लूप के थ्रू देखो फ्लक्स बढ़ते जा रहा है अंदर की तरफ, दिख रहा है, मान लो करंट मेरा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो जनरेटेड फ्लक्स है, ये वाला छोटा जो तुमको टर्कोइज कलर का लूप दिख रहा है, इसमें जो अंदर की तरफ मेरा फ्लक्स बढ़ रहा होगा अगर करंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो, ठीक है। अब ऊपर की तरफ करंट बढ़ रहा है, इसमें ऐसे फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरी जो ईएमएफ जनरेट होगी वो बाहर की डायरेक्शन में, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसमें ईएमएफ, ये टर्कोइज सेंस, टर्कोइज लूप जो दिख रहा है, इस सेंस में ईएमएफ जनरेट होगी। इतनी बात समझ में आएगी तो ही आगे बढ़ूंगा, इतना समझ में आ रहा है। अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये जो येलो कलर की फील्ड लाइन है इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे स्पेस में एक मैं लूप इमेजिन कर रहा हूँ, इससे इस वाले लूप से पर्टिकुलरली जो मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर, इससे अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको घटाने के लिए बाहर की डायरेक्शन में मेरे को फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, इस वजह से ऐसी ईएमएफ का सेंस होगा लोकल, छोटे छोटे लूप में दिख रहा है ऐसी ऐसी ईएमएफ जनरेट हो जाएंगी। अब ये जो ईएमएफ है, अभी ध्यान से देखो, ये जो ईएमएफ है पेरिफेरी पे तो करंट की डायरेक्शन में सपोर्ट कर रही है, और जहां पे अंदर की डायरेक्शन, अंदर में देखो तो ये करंट को अपोज कर रही है, दिख रहा है कि नहीं, ये इस तरह की जो मेरी इंड्यूस फील्ड लाइंस जो हैं, दे आर सपोर्टिंग द करंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड दे आर अपोजिंग द करंट इन द मिडल रीजन, समझ में आई बात की नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर के रीजन में तो करंट स्मॉलर हो जाएगा और बाहर के रीजन में जो करंट है मेरा लार्जर हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट। एसी का जो करंट है वो प्रैक्टिकली मेजॉरिटी करंट जो होता है वो 80% करंट जो है मतलब बहुत छोटे से रीजन के अंदर ही कन्फाइंड होता है, बीच में जो है तार के बहुत ही कम करंट होता है। ऑल्दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम इस सब को जनरली सोचते नहीं, इस सब बारे में नॉर्मली ज्यादातर जैसे जेई के लिए इस तरह की बातें नहीं करते नॉर्मली, बट हाँ समझ में तो आ रहा है ना कि क्या होगा, जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो इट विल नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन, देयर विल बी मोर करंट नियर द सर्फेस एंड लेस करंट इन द कोर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है ये और प्रोनाउंस होता चला जाएगा जैसे जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी ना। सोच के देखो, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो d∅dt पे डिपेंड करता है, तो अगर मान लो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एसी है तुम्हारा तो क्या होगा, ये वाले जो लूप्स हैं और इंटेंस ईएमएफ देने लग जाएंगे जैसे जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो क्या होगा, स्किन इफेक्ट और प्रोनाउंस हो जाएगा। तो मतलब पता चलो और पतले रीजन में तुम्हारा करंट जो हो गया वो कंसंट्रेट हो गया। इस वजह से क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है, जो एसी कंडक्टर्स की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस और ज्यादा हाई हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना, कि करंट को चलने के लिए और कम पतला और पतला और पतला और पतली स्किन होती चली जाती है, समझ गए कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है और इस सब चीज को एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अकाउंट में लेते हैं जब डिजाइन करते हैं इक्विपमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट जब डिजाइन करते हो तो ये सब चीज अकाउंट में लेनी पड़ती है, स्किन इफेक्ट को अकाउंट में लेना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद फिर कोई तुम लोगों को डाउट होगा, फॉलो अप क्वेश्चन होगा तो मैं लेता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, When alternating current flows in a conductor, the current density is more near the surface while less near the center of the conductor. Okay, this is known as skin effect and it gets more and more pronounced at higher frequencies. This effect occurs due to the self induction within the current carrying wire. जो ये अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि किस तरह से self induction होता है. Okay, this is illustrated in the adjacent figure. If the current is increasing with time in the upward direction, the induced EMF is such that it opposes the current near the center. And supports the current near the periphery, thus increasing the current density near the surface. Skin effect thus increases the effective resistance of the conductor. समझ में आया? Effective resistance बढ़ जाएगी, कम cross section में जा रहा है effectively. ठीक है, so I hope this is clear. एक बार पढ़ लो इस section को और उसके बाद फिर let me know if there's any discussion. In fact, alternating एक time था जब सारी machines जो है DC machines ही बनती थी. In fact, Edison ने बहुत काम किया था, बहुत सारे patents थे Edison के DC machines में. ठीक है, and amidst that टेस्ला ने प्रपोज किया दैट वी शुड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो क्या फायदा ऑल्टरनेटिंग करंट पे ट्रांसमिट करने का, तो जैसे मैंने बताया कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाली चीज तुम डीसी के साथ नहीं कर सकते हो, डीसी में तो क्या है थोड़ी देर बाद स्टेडी करंट आ जाएगा इंडक्टर में और देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हाटसोएवर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या फायदा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हम यूज कर सकते हैं और उसका यूज करके वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे तुम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे कर सकते हो, ठीक है। तो इससे तुम लॉसेस कम कर सकते हो, इसलिए टेस्ला ने प्रपोज किया था, ठीक है। एंड टेस्ला प्रपोज दिस टू वेस्टिंगहाउस, वेस्टिंगहाउस को मतलब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है बेसिकली यूएस का, जिसके पास टेस्ला क्रिएटेड सम एसी मशीन्स एंड ही वांटेड टू गिव द डेमो
एंड जो जहां तक मैंने पढ़ा है उसको एंड एडिसन वॉज वेरी मच अगेंस्ट, ही डेंट वॉन्ट द एसी टेक्नोलॉजी टू कम इन टू एग्जिस्टेंस. क्यों? बिकॉज ऑल हिज पेटेंट्स वुड बी यूजलेस आफ्टर दैट. एक बार डीसी मशीन का यूज बंद हो गया तो एसी मशीन चालू हो गई तो फिर टेस्ला के यानी एडिसन के सारे पेटेंट्स जो होंगे वो सब बेकार हो जाएंगे. बाय द वे टेस्ला वॉज एन असिस्टेंट ऑफ एडिसन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बट ही वॉज अ जीनियस, ठीक है, और एडिसन के लैब से ही निकला था और उसके बाद मतलब ही मेड अप अ पैरेलल एम्पायर ऑफ हिज ओन. बोलते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो कि अंडर रिकॉग्नाइज्ड है टेस्ला. एंड जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर ये कि व्हेन टेस्ला हैड टू गिव द डेमो टू वेस्टिंग हाउस एडिसन रिग्ड हिज इक्विपमेंट. उसमें कुछ तो था, स्विच को दबाया और उसके अंदर स्पार्किंग चालू हुई थी. सो समथिंग लाइक दैट हैपेंड, ठीक है ना. तो ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू एडिसन, ये भी एक साइड है एडिसन की, ठीक है, वेरी कॉम्पिटिटिव इन द सेंस लाइक ही डिडंट वांट समबडी टू राइज अबव हिम, तो इस तरह का था, ठीक है ना. एनीवे तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ठीक है. यहाँ इसमें कोई डाउट है तो बोल दो, स्किन इफेक्ट सबको क्लियर है. All right, so we have seen a lot of qualitative things about transformers. अभी थोड़ा सा क्वान्टिटेटिव काम करते होंगे. तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्या है हमारे पास, कोर ऑफ 100 किलो वोल्ट एम्पियर 11,550 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एज अ क्रॉस सेक्शन इतना. अभी ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ गई, इसका मतलब समझो क्या होता है. वोल्ट इंटू एम्पियर, ये किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, राइट. तो ये कितना पावर है, 100 किलो वॉट पावर है, इज इट नॉट. 100 किलो वॉट पावर रेटिंग का हमारा ट्रांसफार्मर है. 11,550, इससे क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है. इसी तरह से लिखा जाता है शॉर्ट में, पूरा नहीं लिखते कि इतना सेकेंडरी इतना प्राइमरी. इसका मतलब प्राइमरी में 11,000 और सेकेंडरी में 550, या फिर प्राइमरी साइड पे 11,000 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड पे 550 वोल्ट हम स्टेप डाउन करके भेज रहे, ठीक है. और 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो लाइन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. सिंगल फेज, अब ये फेज छोड़ दो, एक्चुअली मल्टी फेज ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, मतलब ये सब चीजें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, अगर तुम बनोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करोगे तो समझो पॉली फेज सर्किट्स होते हैं. कई बार घरों मतलब यहाँ तो बॉम्बे में तो घर बिजली जाती नहीं, कई जगह अगर तुम वहाँ पे फरीदाबाद में या कहीं इस तरह से जाओगे सबर्स में दिल्ली की, तो वहाँ पे बोलते फेज उड़ गए, तो पॉली फेज ट्रांसमिशन होते हैं. तो उसकी बात तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर बनोगे तो देखोगे क्या चीज होती है. एनी वे, तो अभी बस मान लो कि एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज, ठीक है, कोर टाइप यानी आयरन कोर होगा इसके अंदर, उसमें भी कई टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं. अभी हम लोगों के लिए बस सब कुछ एक ही तरह का ट्रांसफार्मर लेंगे. चलिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर. तो तार जब लपेटते हैं तो कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, तो वो क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन दिया, ठीक है, जिसके ऊपर तारे लपेटी हुई है, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है. फाइंड पार्ट वन क्या है, नंबर ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टर्न्स पर फेज. ये HVLV लिखा है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है. फिर क्या लिखा है, वो पर फेज को इग्नोर कर दो, ठीक है, कितने टर्न्स हैं ये बताने. फिर क्या पूछा है, EMF पर टर्न इफ द मैक्सिमम कोर डेंसिटी इज नॉट टू एक्सीड 1.3 टेस्ला, यानी कोर के अंदर मैक्सिमम कितना फील्ड हो सकता है, 1.3 टेस्ला फील्ड हो सकता है, ठीक है, ओके. तो EMF पर टर्न कितनी होगी ये निकाल दूंगा, ओके. तो बेसिकली फील्ड पता है, एरिया पता है, तो फ्लक्स पता है, ठीक है नहीं, और फ्रीक्वेंसी पता है, तो फाइव इक्वल टू फाइव नॉट कॉस ओमेगा डी टाइप का होगा, इज इट, समझ में आ रही बात के नहीं. और ओमेगा कितनी होगी, 2πf होगी, राइट. तो उसका यूज करके तुम लोग निकाल सकते हो कि पर टर्न कितनी ईएमएफ जनरेट होती है, आई बात समझ में कि नहीं. और फिर टोटल वोल्टेज दे रखी है, तो पर टर्न वोल्टेज पता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द पर टर्न वोल्टेज विल बी टोटल वोल्टेज, समझ में आ रहा होगा शायद. तो ये सब कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, ठीक है. तो ठीक है, और फिर क्या लिखा है, एज्यूम अ स्टैकिंग फैक्टर ऑफ 0.9. तो स्टैकिंग फैक्टर क्या है, अभी ये भी समझ लो, हमारा सॉलिड आयरन का ब्लॉक तो नहीं है ना, हमारा जो आयरन का ब्लॉक की जगह हमारे पास क्या शीट्स है, शीट 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 आयरन की खूब सारी शीट्स हैं, और हर दो शीट्स के बीच में कुछ कुछ तो वार्निश लगा रखी है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्टिव विड्थ ऑफ द आयरन जो होगा हमारा पूरा ना होके उसका 0.9 टाइम्स ही इफेक्टिव, समझ गए कि नहीं, इफेक्टिव जो विड्थ है वो 0.9 टाइम्स ही रह जाएगा. तो क्या लिखा, स्टैकिंग फैक्टर 0.9 है, स्टैकिंग फैक्टर द फ्रैक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑक्यूपाइड बाय द इंसुलेटिंग लैमिनेशन बिटवीन द कोर शीट्स, समझ गए कि नहीं. तो अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से पढ़ो, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट, ठीक है, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्व करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है. टेक 5 मिनट्स करो ट्राई इसको कुछ से सोचो. बाय द वे एसी की जब भी वोल्टेज दी होती है कुछ भी नहीं लिखा, तो वो वोल्टेज कौन सी माननी, आरएमएस वोल्टेज माननी, ठीक है, ये पीक वोल्टेज नहीं है, ये आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है, ध्यान रखें. पीक वोल्टेजेस कितनी हो जाएंगी, इसकी √2 टाइम्स हो जाएंगी, आरएमएस जो होती है 1/√2 टाइम्स का पीक होता है, करो ट्राई. अच्छा, एक चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था, ये फॉर्मली नोट्स में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सुन लो मेरी बात ध्यान से.
एसी इंस्ट्रूमेंट्स को में हमें करंट और वोल्टेज कैसे मेजर करते, कौन सी चीज मेजर कैसे मेजर करोगे, क्योंकि नॉर्मल एमीटर या नॉर्मल गैल्वेनोमीटर तो काम ही नहीं करेगा, 1 सेकंड में 50 बार सुई इधर से उधर थोड़ी ना जाएगी, तो तुमको तो आरएमएस वोल्टेज चाहिए। तो एसी एमीटर और एसी वोल्टमीटर हमेशा क्या मेजर करते हैं, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट मेजर करते हैं। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं, नॉर्मली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से काम नहीं चलेगा, तो वी यूज हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्यों बोलते हैं इनको, हॉट हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि जब भी करंट ऑल्टरनेटिंग पास हो रहा होगा तो हीटिंग तो हो रही होगी ना, आई स्क्वायर आर हीटिंग के का जो इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट को ये मेजर करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स से। ठीक है, तो एसी एमीटर्स एसी वोल्टमीटर्स दे मेजर आरएमएस एंड दे आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ देम दे आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन करो, सॉरी यहाँ पे इसको ये गलत लिखा हुआ है, स्टार्किंग फैक्टर की डेफिनेशन में इट्स नॉट द सेक्शन ऑक्यूपाइड बाय द इंसुलेटिंग लैमिनेशन, इट्स द यहाँ पे इंसुलेटिंग लैमिनेशन की जगह होना चाहिए आयरन होना चाहिए। ठीक है, बाय द आयरन, ये ठीक कर लेना नोट्स में, तो अदरवाइज उल्टा ही हो जाएगा, और इतना सारा तो हो भी नहीं सकता, 0.9 टाइम्स अगर लैमिनेशन ये तो आयरन कितना, 0.1 टाइम थोड़ी ना होगा। ठीक है, ज्यादा देर तो आयरन ही होगा, थोड़ा सा वार्निश की हल्की हल्की पतली सी लेयर होती है। ठीक है, तो ये ठीक कर लेना, यहाँ पे मैंने जिस बुक से लिया उसमें टाइपो है। ठीक है, ठीक कर लो उस पर, चलो इसमें दिक्कत आ रही बच्चों को, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, तो मुझे क्या दे रखा है, प्राइमरी की आरएमएस वोल्टेज मुझे पता है, राइट, कितनी है 11,000 जो भी है, जो आरएमएस वोल्टेज है तो इससे पीक वोल्टेज क्या होगी, इसकी √2 टाइम्स तो पीक वोल्टेज होगी। अब पीक वोल्टेज कैसे गवर्न होगी, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरा बी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो फ्लक्स क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया, लेकिन स्टैकिंग फैक्टर मेरा जो है वो 0.9 है, तो पॉइंट ईटा इंटू बी इंटू ए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स हो जाएगा, राइट, समझ में आई बात के नहीं, और तुम्हें पता है ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के साथ चलते जा रहा है, राइट, तो फ्लक्स जो होगा तुम्हारा क्या होगा, फाइव नॉट कॉस ओमेगा टी टाइप का कुछ ऐसा रहेगा, राइट, और फाइव नॉट मेरा क्या हो जाएगा, फाइव नॉट हो जाएगा मेरा बी इंटू एरिया इंटू स्टैकिंग फैक्टर, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, और इसका डेरिवेटिव जब लोगे तो क्या होगा, एक और ओमेगा आ जाएगा, समझ में आ रही बात की नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू एरिया इंटू ओमेगा इंटू स्टैकिंग फैक्टर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पीक वोल्टेज हो जाएगा, समझ में आई बात की नहीं, जो कि मेरा कितना है 11,000 √2, आई बात समझ में कि नहीं, इसका यूज करके अभी बाकी चीजें कैलकुलेट करनी, अभी नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट कर इसका यूज करके, इसी तरह से सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के हिसाब से हो जाएगा, समझ में आ रही बात की नहीं, ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बस कैलकुलेशन ही बची है ना, तो आई वॉन्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद से अभी आगे सोच पाओगे मेरे हिसाब से, आई होप द थिंग्स आर मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे, व्हाट्स द फिजिक्स ऑफ इट, फिजिक्स समझ में आई कि नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ट्राई करो, अभी भी अगर दिक्कत है तो फिर बोलो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू शुड एटलीस्ट गेट द एक्सप्रेशन बाय योर ओन हैंड, ठीक है, इवन इफ नॉट द फुल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए ख्याल से यूज करना तो कर लो, ठीक है, लेकिन ठीक है, तो अभी तो इतना एक्सप्लेन करने का ज्यादा मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए, तो क्या किया मैंने, ये वीपी आरएमएस लिखा, यानी प्राइमरी की आरएमएस जो लिखी है, प्राइमरी की आरएमएस क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू ओमेगा इंटू ईटा, बाय द वे बी इंटू एरिया इंटू ईटा क्या हो गया, ये फ्लक्स पर टर्न हुआ, पीक फ्लक्स पर टर्न हुआ। ठीक है, इंटू ओमेगा क्यों किया, क्योंकि जब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालोगे, अगर फाइव मेरा फाइव नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो तुमको पता है डिफरेंशिएट करोगे तो फाइव नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी टाइप का आएगा, पीक फ्लक्स के अंदर एक ओमेगा और मल्टीप्लाई होगा, राइट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए, पीक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए एक ओमेगा और मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से रिलेट होगा, राइट, तो एनपी इंटू बी इंटू ए इंटू ईटा, ये तो फ्लक्स फ्लक्स पर टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हुआ, पीक फ्लक्स, तो इसको रेट ऑफ चेंज के लिए एक और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके एक ओमेगा आएगा उसका। ठीक, फ्लक्स भी जो है मेरा हर चीज कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी से वेरी करे, चाहे वो फ्लक्स हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो, हर चीज फोर्स ऑपरेशन चल रही है, हर चीज सेम कॉस ओमेगा टी से वेरी कर रही होगी, राइट। ठीक है, और ईटा यहाँ पे क्या, स्टैकिंग फैक्टर है। ठीक है, और फाइव मैक्स मेरा क्या लिखा, बी ए ईटा इंटू ओमेगा, ये अभी समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम फ्लक्स लिखा हुआ है, ठीक है नहीं, सॉरी फाइव डॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बी ए ओमेगा इंटू ईटा लिखा, सो नाउ आई होप इट इज मेकिंग सेंस, तो बस अभी इसी को रीअरेंज कर लो, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वीपी √2 डिवाइड बाय बी ए 2 पाई एफ इंटू ईटा, बेसिकली ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये √2 क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो दे रखा है ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है, ये आरएमएस वैल्यू, तो आप तो बस वैल्यूज डाल दो उठा के, तो सब कुछ दे रखा है, सारी वैल्यूज डाल दी, इसको कैलकुलेट करते हो तो 1060 टर्न्स आ जाते, क्लियर।
इसी तरह से सेकेंडरी के लिए क्या होगा, सेकेंडरी के लिए या तो नंबर ऑफ टर्न सीधा ही निकाल लो, वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, डायरेक्ट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। ठीक है, चाहते तो वही चीज सारी दोबारा कर सकते, बेटर है वोल्टेज रेशियो टर्न्स रेशियो में, तो सीधे रेशियो ऑफ टर्न्स से ही हम मतलब रेशियो वोल्टेज से ही सीधे टर्न रेशियो निकाल लेंगे, तो वो क्या आ गया, वो 53 टर्न्स आ जाएगा कैलकुलेट कर दो। ठीक है ओके, अब ईएमएफ पर टर्न कितनी हो जाएगी, तो तुम्हें पता पी की ईएमएफ क्या होगी, बी ए ईटा ओमेगा, ये तो पी की ईएमएफ होगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि पीक फ्लक्स कितना है, बी ए ईटा तुम्हारा पीक फ्लक्स पर टर्न है। ठीक है, तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो पीक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा, डिवाइड बाय रूट टू, डिवाइड बाय रूट टू, क्योंकि हमें आरएमएस ईएमएफ चाहिए पर टर्न, तो वो कितना आएगा कैलकुलेट करके, ये तुम्हारा 2.4 वोल्ट आ जाता तुम। ठीक है, समझ गए कि नहीं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ गए। बाय द वे इसको हम मतलब क्या, ये एक्सप्रेशन वैलिड है लेकिन कैलकुलेट करने के लिए तो हमने सीधे उसको डिवाइड ही कर दिया नंबर ऑफ टर्न से, प्राइमरी वोल्टेज को प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दो सेकेंडरी वोल्टेज से, तो फ्लक्स पर तो वोल्टेज पर टर्न आ जाएगा वो 10.4 वोल्ट आ गए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन, आगे बढ़ सकते। तो अब फिर अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसको भी ध्यान से देखो क्या है, अभी शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से कर पाओगे, क्योंकि अभी नाउ यू आर फेमिलियर विद द जार्गन, व्हाट टर्न व्हाट टर्न मींस व्हाट भी क्लियर होगा तुमको। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या, अ 25 किलो वोल्ट एम्पियर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 250 टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड 40 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग, समझ गए, प्राइमरी सेकेंडरी के टर्न्स दे रखे हैं, द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेंस, ठीक है, प्राइमरी को 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेंस से हमने कनेक्ट किया हुआ, राइट, ये प्राइमरी साइड की वोल्टेज दे रखी है और ये जो भी है ये आरएमएस वोल्टेज है। ठीक है, फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स ऑन फुल लोड, हमको प्राइमरी का करंट और सेकेंडरी का करंट निकालना। ठीक है, करंट मतलब समझ गया ना, पीपीआईपी इक्वल टू वीएसआईएस को मैं पता तो उसका यूज करके ये निकालना तुमको। और फिर क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी की कितनी ईएमएफ होगी, सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज निकालनी, और क्या निकालना, मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर निकालना तुमको। ठीक है, तो अभी वापस टेक 2-3 मिनट्स, सोचो कि क्या हो सकता है, किस तरह से मीनिंग हो सकता है और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो ट्राई टू अप्लाई योर माइंड टू इट, उसके बाद डिस्कस करते हैं, सोचो। हाँ, ये जो भी दे रखा होता है ना, इतना किलो वोल्ट एम्पियर है, तो ये तुमको वीपीआईपी की वैल्यू दे रखी है, यानी जो भी इनपुट पावर है तुमको दे रखा है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका, लॉसलेस मान, इनफैक्ट जेई के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर ट्रांसफार्मर्स को लॉसलेस ही मानना है, तो वीपीआईपी बोलो या वीएसआईएस बोलो एक ही बात, अनलेस मेंशन यू हैव टू अज्यूम लॉसलेस ट्रांसफार्मर्स या आइडियल ट्रांसफार्मर्स ओनली। ओके, हाँ ठीक है, ये भी मतलब ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं होती है, जनरली कॉमर्स टाइप की मैथ्स होती है इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, सिंपल ही है, तो पढ़ लेते हैं इसको क्या है। तो एक चीज देखो, इतना पावर रेटिंग दे रखी है, अच्छा कुछ भी नहीं मेंशन है, तो इट इज ऑलवेज सपोज टू बी एवरेज, राइट, यस, तो ये हमेशा ये एवरेज है। ठीक है, तो और तो वीपीआईपी इक्वल टू वीएसआईएस इक्वल टू पावर रेटिंग जो दे रखी है, जो कि मेरा 25 केवी है, तो 25 इंटू 10 टू द पावर 3, अब मेरे को प्राइमरी का करंट निकालना, तो प्राइमरी वोल्टेज से डिवाइड कर दिया और प्राइमरी वोल्टेज दे रखी कितना 1500 वोल्ट, ये भी आरएमएस ही है। ठीक है, तो बस तो डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया मेरे पास, तो प्राइमरी का करंट आ गया 16.67 एम्पीयर। ठीक है, अब सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, एनएस बाय एनपी इनटू वीपी हो जाएगा। ठीक है, टर्न्स के रेशियो में होती है ना वोल्टेजेस, तो ये कैलकुलेट किया तो ये 240 वोल्ट आ गया तुम्हारा सेकेंडरी वोल्टेज आ गया, या सेकेंडरी ईएमएफ कह लो। अब करंट इन द सेकेंडरी क्या होगा, वो पावर डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज, तो वो 25000 डिवाइड बाय 240, तो ये क्या आ गया 104.2 एंपियर आ गया, राइट। ठीक है, अब अच्छा पीक वोल्टेज क्या होती है, रूट टू टाइम्स द आरएमएस वोल्टेज, तो प्राइमरी की पीक वोल्टेज क्या हो जाएगी, वीपी इंटू रूट टू, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स इनटू ओमेगा इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, मैक्सिमम फ्लक्स पर पर टर्न, समझ में आ रहा है ये एक्सप्रेशन की नहीं, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स पर टर्न इनटू ओमेगा, क्योंकि डी फाई बाई डी करते हो तो एक ओमेगा उतर के आता है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके, तो इसका यूज करके मैक्सिमम फ्लक्स निकाल लिया मैंने, मैक्सिमम फ्लक्स पर टर्न है, ध्यान रखना जब भी लिखा है मैक्सिमम फ्लक्स, मतलब दे एक्चुअली मीन मैक्सिमम फ्लक्स पर टर्न, क्योंकि प्राइमरी से तो अदरवाइज लिंकेज अलग होगा, सेकेंडरी से लिंकेज अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न अलग अलग है, तो फ्लक्स अगर खाली लिखा है तो इट मीन्स फ्लक्स पर टर्न। ठीक है, तो वो ये एक्सप्रेशन है, अभी इसमें तो बस वैल्यूज डाल दी तो मेरे पास आंसर आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया ना ये कैसे कैसे किया कैलकुलेशंस। ठीक है, सिंपल ही होती है ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन, बस क्या सिंबल का क्या मीनिंग है ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, बाकी तो ये बार बार सेम ही फॉर्मूला लग रहा है एक तरह से, है ना। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर्स पे ही अब आज की क्लास में यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं, इसके बाद फिर ट्रांसफार्मर्स में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो मालूम होने चाहिए कि कैसे कैलकुलेशंस होती हैं जनरेटर से, यानी जो भी हमारा
पावर जहां से भी जनरेट हो रहा है उससे लाइन लॉसेस वगैरह को लेके कुछ और क्वेश्चंस हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फिर मैंने बोला था एसी में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और देखेंगे। मैंने बताया था ना कि कभी फेजर्स लग जाता है, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर लग जाता है, और कहीं कहीं पे ज्योमेट्रीज एक्सप्लोर करनी पड़ती है, तो वो सब उस टाइप के क्वेश्चंस जो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू।